कल 17 तारीख को दूसरी पाली में जो परीक्षा होनी थी उसका आंसर की सुबह 8 बजे से वायरल हो रहा है। मतलब परीक्षा वाले दिन सुबह 8 बजे से वायरल हो रहा है। आप सोचिए कितना गंभीर ये मुद्दा है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ यूपी तक पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती चल रही है और आज 18 तारीख यानी कि दूसरा दिन है। हर दिन ये पेपर दो पालियों में किया गया, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, जिसमें सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, उसके बाद 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये पेपर हुआ है। अब इस पेपर को लेकर अब सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से एक बात सामने उठ रही है कि पेपर जो है वो पहले से ही लीक हो गया। कई लोग ऐसा है, उन्होंने दावा किया कि पेपर जो है पहले ही टेलीग्राम ग्रुप पर लीक किया गया। कई लोगों ने उसके जो है स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर ये दावा किया कि पेपर पहले से ही आउट हो चुका है। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का क्या कुछ कहना, ये भी आपको जवाब बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए किसने जो है क्या कुछ दावे किए। सोशल मीडिया यूजर विवेक लिखते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती की परीक्षा की आज की सेकेंड शिफ्ट का पेपर लीक होने की बात आ रही है। अभी शाम 5:30 बजे पर एक स्टूडेंट ने भेजा है, उसके पास सुबह 8:17 पर यह पेपर आ गया था, जिसमें 150 में से 117 प्रश्न सेम उत्तर सहित हाथ से लिखे गए हैं। अब यहां इन्होंने ये जो दावा किया, ये 17 तारीख का पेपर जो हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उस पेपर को लेकर इन्होंने दावा किया कि ये बताया जा रहा है कि पेपर जो है पहले ही लीक हो चुका है। बकायदा इसके बाद इन्होंने बैक टू बैक स्क्रीनशॉट शेयर किए, टेलीग्राम के ग्रुप को शेयर किया, दिखाया कि कौन सा वो ग्रुप है जहां पर ये पेपर ऑलरेडी पहले से ही हाथ से लिखा हुआ यहां पर इनको मिला। इन्होंने सोशल मीडिया पर तमाम जो है इस स्क्रीनशॉट को शेयर किए और बताया, ये जानकारी दी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 60,244 पदों के लिए जो भर्ती थी उसका पेपर जो है वो पहले ही लीक हो गया। इनके अलावा युवा हल्ला बोल की टीम से गोविंद मिश्रा ने भी इस मामले पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट्स को ही शेयर कर पोस्ट किया कि फिर से पेपर लीक, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा का भी पेपर लीक हो गया है। कल यानी 17 फरवरी को दूसरी पाली में होने वाली परीक्षा का हाथ से लिखा हुआ पेपर और आंसर शीट सुबह 8 बजे से ही टेलीग्राम और सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था। अभी पिछले हफ्ते हुए आरओ एग्जाम 2024 के पेपर लीक को लेकर अभ्यर्थी आंदोलित ही हैं, तब तक सिपाही भर्ती का भी पेपर लीक हो गया। केंद्र की मोदी सरकार 12 फरवरी को पेपर लीक रोकने के लिए द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 का कानून लेकर आई है, लेकिन उसके बाद भी धड़ल्ले से पेपर लीक जारी है। जब तक नौकरियों के दलालों को सरकारी सह मिलना बंद नहीं होगी, ये पेपर लीक बंद नहीं होगा। तो सोशल मीडिया पर इन्होंने भी वो स्क्रीनशॉट वायरल किया जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि यूपी पुलिस भर्ती का ये कांस्टेबल भर्ती का पेपर जो है सेकंड शिफ्ट का 17 तारीख को वो जो है वायरल हो गया था। ना केवल इतना ही बल्कि इन्होंने यूपी तक से बातचीत करते हुए ये दावा किया, कल 17 तारीख को दूसरी पाली में जो परीक्षा होनी थी उसका आंसर की सुबह 8 बजे से वायरल हो रहा है। मतलब परीक्षा वाले दिन सुबह 8 बजे से वायरल हो रहा है। आप सोचिए कितना गंभीर ये मुद्दा है। सरकार क्लेम करती है कि हम बड़ी पारदर्शी परीक्षा कराते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से ढकोसला है। हमारे अनुपम भैया के नेतृत्व में तमाम आंदोलन के बाद केंद्र की सरकार एक परीक्षा में नकल विरोधी एक कानून लेके आती है और उस वो 12 फरवरी को ही कानून आया है और ये फिर लगातार पेपर लीक होने लगे। उत्तर प्रदेश में अकेले 1.5 दर्जन से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है कि पेपर लीक का मामला रोका जा सके। अभी पुलिस विभाग ने ये नहीं कहा है कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इसको संज्ञान मिले। हमारी मांग है कि इसको संज्ञान में लेते हुए इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए। इनके अलावा सूबे में चर्चा में रहने वाले रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भी इस मामले को लेकर गहरी चिंता जताई और न केवल चिंता बल्कि सरकार को इन्होंने चिट्ठी भी लिख दी। बकायदा इन्होंने पोस्ट करके लिखा पहले कि सिपाही भर्ती परीक्षा के संभावित पेपर लीक की निष्पक्ष उच्च स्तरीय व पारदर्शी जाँच, FIR, परीक्षा निरस्त पर विचार विषय, आजाद अधिकार सेना के अमिताभ ठाकुर का सीएम ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, यूपी पुलिस के DGP और PRB को बकायदा इन्होंने टैग किया। अब इसी पोस्ट के साथ इन्होंने जो चिट्ठी साझा की है उसमें इन्होंने दावा किया कि मुझे एक नंबर से व्यक्ति का फोन आया था जिसके कथन अनुसार कल उनकी पत्नी ने द्वितीय पाली में परीक्षा दी थी, जिन्होंने मुझे 3 टेलीग्राम चैनल के लिंक भेजे गए। मैंने स्वयं इन 3 टेलीग्राम चैनलों को देखा। इनमें पहले टेलीग्राम चैनल पर दिनांक 14/2/2024 को ही समय 8:43 पर कह दिया गया कि दिनांक 17/2/2024 का प्रश्न पत्र आउट है।
फिर दिनांक 16/2/2024 को 9:09 पर मैथ्स के कुछ प्रश्न के उत्तर दिए गए और दिनांक 17/2/2024 को समय 8:20 सुबह पर कुल 84 प्रश्न के उत्तर दिए गए और दिनांक 17/2/2024 को समय 11:55 पर कुल 150 प्रश्नों के उत्तर दिए गए जिनके संबंध में मुझे अधिक जानकारी नहीं है। दिनांक 17/2/2024 को समय 11:52 पर कहा गया कि द्वितीय शिफ्ट का प्रश्न पत्र 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच आउट होगा और उसके बाद समय 1:32 पर इस टेलीग्राम चैनल पर कुल 38 प्रश्नों के उत्तर आए जो इस पूरी सूचना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और गंभीर प्रकृति की सूचना है। सूचना देने वाले व्यक्ति के अनुसार जनरल स्टडीज के उत्तर हैं। उनके द्वारा मुझे एक प्रश्न पत्र भी भेजा गया जो उनके अनुसार कल यानी कि द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र मिला है। मैंने उसमें जनरल स्टडीज के प्रश्नों के उत्तर इस टेलीग्राम चैनल पर भेजे गए उत्तर से मिलाया तो नई दिल्ली गृह मंत्रालय भारत रत्न 26 नवंबर मुंशी प्रेमचंद मिश्रित अर्थव्यवस्था डीजी लाकर मथुरा तेलंगाना नीलगिरी श्रृंखला और तमाम ऐसे जो 19 प्रश्नों के उत्तर पूरी तरह उस कथित प्रश्न पत्र के दिखे जो वास्तव में अत्यंत अचंभित करने वाला है। शेष दोनों टेलीग्राम चैनल पर भी आज के पेपर किए जाने के लगातार दावे किए जा रहे हैं यद्यपि इसके विषय में अभी मेरे पास और अधिक जानकारी नहीं है। इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर तमाम तथ्य वायरल हैं जिनके मैं व्यक्तिगत पुष्टि नहीं कर सकता किंतु टेलीग्राम चैनल सहित अन्य 2 चैनल के तथ्य मैंने अपनी आंखों से देखे हैं और पहले चैनल के उत्तर को कथित प्रश्न पत्र में मैंने स्वयं मिलान भी किया है। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि उपरोक्त तथ्यों से प्रथम दृष्टया इतना साफ है कि इस मामले में गहन और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है क्योंकि दिनांक 17/2/2024 को समय 1:32 पे ही समय 3 से 5 बजे से कथित पेपर का उत्तर कथित रूप से लीक और सार्वजनिक हो जाने और इसमें 19 उत्तर वास्तव में प्रश्न पत्र से जुड़े होने के तथ्य ऐसे नहीं हैं जिन्हें आसानी से दरकिनार और नज़रअंदाज किया जाए। इन चैनलों के शेष दावे भी गंभीर और महत्वपूर्ण हैं और अगर इसमें कुछ भी सच्चाई है तो उक्त परीक्षा में भारी घपला और गड़बड़ी की संभावना बहुत अधिक मानी जाएगी और इन कृत्यों के संबंध में FIR के साथ ही पूरी परीक्षा को निरस्त करने पर विचार किया जाना आवश्यक होगा। ये तथ्य कल से ही लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है किंतु भर्ती बोर्ड तथा यूपी पुलिस इन पर कार्रवाई की जगह सूचना देने वालों को ही धमकाने और चुप कराने में लगे दिख रहे हैं। उनके रुख और बर्ताव से ऐसा लगता है कि उनकी प्रमुख रुचि और ध्यान मामले को रफा दफा करने और गलत सही किसी भी तरह परीक्षा करवाकर वाहवाही लूटने में है न कि वास्तविक रूप से सुचितापूर्ण परीक्षा करवाने में जिन स्थितियों में इस संबंध में आपका व्यक्तिगत हस्तक्षेप नितंत अनिवार्य हो गया। तो आपने देखा कि रिटायर्ड IPS अमिताभ ठाकुर ने भी बकायदा चिट्ठी लिखकर ये तमाम दावे किए कि भैया जो पेपर था वो पेपर बकायदा उन्होंने मिलान किया है द्वितीय पाली का और इस बात को कहा है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो बिल्कुल सही प्रश्न थे। और आपको बता दें कि ये दावे अब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं लेकिन इन्हीं दावों के बीच यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड क्या कहती है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यूपी PRB की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा गया प्रारंभिक जांच में पाया गया कि अराजक तत्वों द्वारा ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधी भ्रम फैलाया जा रहा है। बोर्ड एवं यूपी पुलिस इन प्रकरणों की निगरानी के साथ इनके सोर्स की गहन जांच करा रही है। परीक्षा सुरक्षित एवं सुचारू रूप से जारी है। तो यहाँ पर यूपी पुलिस की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि जो ये सारे स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं जो टेलीग्राम ग्रुप का जो मामला वायरल हो रहा है वो कहीं ना कहीं एडिटेड है और साथ ही साथ इसकी जांच पुलिस कर रही है कहां से कौन से सोर्स से ये जो है मामला सामने आया इसको लेकर पुलिस भी बेहद एक्टिव है। तो सोशल मीडिया पर लगातार इन दावों के बीच आपको बता दें कि जितने भी स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं इसकी जो पुष्टि है वो यूपी तक नहीं करता है लेकिन जिस प्रकार से लोगों ने इसे शेयर किया है वो हमने आप तक बताया और इस पर जो है पुलिस का साफ तौर पर ये कहना है कि अभी जांच जो है वो जारी है। तो बाकी आपको ये जानकारी कैसे लगी और आपका इस पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया और तमाम ऐसे वीडियोस और अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।